हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम लोग मेडिकल के सभी अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो अगेन गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे बच्चों का वी थर्ड में रिजल्ट रहता है और क्या उसको सोल्यूशन दे सकते हैं, क्या उसको हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसे मेथड है जिससे हम लोग अपना रिजल्ट वी थर्ड से निकाल सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि अन अकेडमी का जो है एजुकेशन वीक चल रहा है, जहाँ पे मैं खुद लेक्चर ले रहा हूँ ऑनलाइन फिजिक्स और केमिस्ट्री के, साथ ही मैं बाकी के भी टॉप एडुकेटर सिखा रहे। प्लान जो रहते हैं अनअकैडमिक के, लगभग जो कॉस्ट आता है उनका जो मंथली फीस है वो थाउजेंड्स में रहते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट 30,000-40,000 रहता है। लेकिन बस ये वीक आपको सारी के सारी चीज़ें मिल रहे हैं 299 रुपीज़ में। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं वहाँ पर omkar_96, तब आपको जो है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा सिर्फ 239 में, जो कि बहुत ही रिजनेबल है फॉर 45 डेज। ओके, 1 मंथ प्लस 15 डेज फ्री, ऐसा यहाँ पे प्लान हम लोग दे रहे हैं आपको, जहाँ पे आप पूरा का पूरा प्लस का जो है एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल MCQs आप लोग देख सकते हो, और साथ ही में जो भी डाउट रहेंगे या फिर स्ट्रक्चर PDF कोर्सेज जो रहते हैं वो सारे के सारे अवेलेबल वहाँ पे है। ठीक है, सारे नोट्स PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, तो आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। कोड यूज़ करना है omkar_96। ठीक है, अभी बात करते हैं जिन बच्चों का भी नीट नहीं हुआ और साथ ही में उनको करना है तो क्या करना चाहिए, तो टॉपर्स बैच जो है वो ज्वाइन कर लो। बात करेंगे जो अपना मेन टॉपिक है आज का, उसके बारे में बच्चों के ऐसे कमेंट है कि सर एक बहुत बड़ा इशू है, हम लोग का रिजल्ट आया है विथर्ड में, ओके, और वो अभी 2 से 3 महीने हो गए, जो प्रीवियस एग्ज़ाम था उसका रिजल्ट, मतलब आपके ये एग्ज़ाम के भी पहले एग्ज़ाम का रिजल्ट भी अभी तक विथर्ड में है, तो क्या ऐसा चीज़ है कि हम लोग क्या करें प्रोसेस कि हम लोग का वो विथर्ड से निकल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले विथ हेल्ड रिजल्ट के साथ में ब्रैकेट में एक दिया हुआ रहता है, मेंशन रहता है हमेशा कि वाई इट इज़ विथ हेल्ड। तो आपको चेक करना है कि विथ हेल्ड में आपका रिजल्ट क्यों आया, क्या वहाँ पे फीस का इशू है। फीस का इशू आता है तो कॉलेज के साथ कोऑर्डिनेट करो, कॉलेज को बोलो, अगर आपके पास अभी पूरा का पूरा फीस देने के लिए नहीं है पैसे, आप सीधा कॉलेज को, प्रिंसिपल सर को एक लेटर लिखो, जो भी करोगे रिटर्न में करो, कोई भी उनसे उनके जाके रिक्वेस्ट मत करना, आप उनको रिटर्न में एक लेटर दे दो, अगर प्रिंसिपल नहीं मानते कॉलेज के डीन को दे दो, जो भी मैनेजमेंट रहेगा उनको दे दो कि ऐसा ऐसा हम लोग का प्रॉब्लम है, हम लोग आपको फ़ीस अभी नहीं दे सकते, और उस लेटर में मेंशन करो कि अगर आप अभी फ़ी नहीं दोगे तो कब और कैसे इंस्टॉलमेंट में दोगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ये किया और उनका जो है रिजल्ट विथर्ड से निकल गया। सेकेंड प्रॉब्लम, बहुत सारे स्टूडेंट रिजर्वेशन के बेस के ऊपर एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी और हर टाइम ये बोलता हूँ, अगर आप रिजर्वेशन के बेस पे आते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, ये तो एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके साथ मैंडेटरी किया है कास्ट वैलिडेशन। ठीक है, तो कास्ट वैलिडेशन क्या होता है कि 50 ईयर्स पहले आपके जो भी पूर्वज है, आपके पेरेंट्स है, तो वो जो है उनका भी सेम आपका जो कास्ट है वो रहना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं कास्ट वैलिडेशन। ठीक है, अब ये कास्ट वैलिडेशन आप कोई भी रीजन से करा सकते हो, मुंबई रीजन, पुणे रीजन, नागपुर, औरंगाबाद, कहीं से भी ये आप करा सकते हो, हाई कोर्ट में वगैरह जाके, या आपके कॉलेज थ्रू भी एक प्रोसेस रहता है, कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट लेके वेरिफिकेशन करता है। तो ये हो गया सेकेंड, पहले हो गया फीस का, सेकेंड हो गया कास्ट का। तो कोई बच्चों का ऐसा भी रहता है कि सर कास्ट सर्टिफिकेट दिया है फिर भी विथहेल्ड क्यों, तो ये रीज़न को समझो क्यों विथहेल्ड, क्योंकि आपने कास्ट सर्टिफिकेट दिया है लेकिन कास्ट वैलिडिटी नहीं दिया। ठीक है, थर्ड और इम्पॉर्टेंट रीज़न, वैसे तो 7-8 रीज़न है लेकिन 3 से 4 यहाँ पे कवर करूँगा जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे और एक रीज़न आता है, कॉपी किया और पकड़ा गया। ठीक है, अभी बच्चे भी ऐसे है कि जो रिमार्क देते हैं वहाँ पे कॉपी करके पेपर पे लिख देते हैं, तो अगर आपके पेपर के ऊपर आपके टीचर्स ने, आपके जो सुपरवाइज़र थे, उन्होंने अगर कॉपी लिखा है तो आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको अगेन विथर्ड में है तो आपको अगेन फॉर्म भर के आपका पेपर जो है देना है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए अब्सेंट रहते हैं या फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए जाते नहीं फिज़िकली और उनका फिर भी वहाँ पे मार्क्स रहता है, तो MUHS को अगर ऐसे केस में डाउट आया तो आपका रिजल्ट अगेन हो जाता है विथ हेल्ड। तो हम लोग ने यहाँ पे 4 रीज़न जो है वो कवर किया है,
टोटल 7 to 8 रीजन्स है, बहुत सारे रीजन्स है, जैसे कि आप नॉट एलिजिबल हो, आपके बोर्ड सर्टिफिकेट के ऊपर अलग नाम हो और आपके जो मार्कशीट आया उसके ऊपर अलग नाम हो, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स है विथ रिजल्ट के। लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे पता है 100% कि क्या उसके पीछे कॉज है, तो मैंने वही जस्ट आपको एक्सप्लेन किए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच एवरीवन।